ये इनका सोल्यूशन कौन सा एक हो सकता है क्या लगता है बोरोन या फिर ये पोटेशियम सल्फेट या फिर ये हमला या फिर एग्रोमेन गोल्ड क्या हो सकता है कैसा लग रहा है हमारे गार्डन में आके आपको हाँ जी हिविस्कस दीदी आ, दीदी नहीं बहन होगी शायद अरे कुछ भी छोड़ो हिविस्कस मैडम मैडम ही ठीक रहेगा हाँ तो मैडम जी कैसा लग रहा है आपको हमारे गार्डन में आके जरूर आ, अच्छा ही लग रहा है हाँ क्या क्या एक एडवाइस भी दे रही है देखो कि पूरा फूल मुरझा चुकी है और एक खिला हुआ है तो वैसे ही जब पूरी दुनिया निराशा की किरण में मतलब निराशा में डूब जाए तब एक आशा की किरण हमेशा अपने मन में चलाए रखिएगा तब कहाँ से कली आशा की दूसरी भी खिल जाए कितना ज़्यादा ज़्यादा कली खिल जाए पता नहीं कहाँ से क्या हो जा सकता है आपकी ज़िंदगी संवार सकती है बदल सकती है अच्छा हो सकता है तो अच्छा अच्छा सोचना हमेशा इसी फ्लावर की तरह खिलते रहिएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गार्डनर फ्रेंड इंडिया तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही पौधों के बारे में और ऐसे पौधों के तीन कॉमन प्रॉब्लम्स होता है एक है लीफ माइनर दूसरा है एफ और तीसरा है मिलीबक्स और जो सबसे ज़्यादा होता है ऐसे में सिर्फ हेविस्कस ट्री में नहीं बहुत सारे पौधों में होता है और सब्जियों में भी होता है तो प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन तीन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन एस लगाना भूल गई मैं थ्री प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन ये शैम्पू के ऐट की तरह नहीं लग रहा है पर ये सही है एक सल्यूशन में ही तीन का काम चल जाएगा आप ज़रूर सोच रहे होंगे मैं डिटर्जेंट को घुला के पानी में स्प्रे करने के लिए बताऊंगी, पर ऐसा नहीं है भाइयों और बहनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये आसान तरीका है कि पानी में आप वो डिटर्जेंट मिला के फिर स्प्रे करके दूर कर सकते हो पर हर वक्त यह ना काम नहीं करता बड़े से बड़े पौधों में ये काम नहीं करता छोटे पौधों में शायद करता होगा और ये तीन प्रॉब्लम एक साथ तो कभी नहीं जाता है तो हमारे पौधे में ऐसे प्रॉब्लम ही नहीं है भाई हम कितनी बार कह चुके हैं धन्यवाद धन्यवाद अरे पौधे लोग हमें बोल रहे थे कि वो लोग ठीक है स्वस्थ है इसीलिए हमें थैंक्स बोल रहे थे जो भी हो तो तीन प्रॉब्लम्स के साथ एक वन सोल्यूशन में आएंगे और वो वन सोल्यूशन इतना होगा कि सभी प्रॉब्लम्स दूर हट जाएगा और सिर्फ खिलता हुआ पौधा आपके सामने होगा और जब सुबह सुबह खिलता हुआ पौधा खिलता हुआ एक चेहरा आपके सामने होता है तो कितना अच्छा फील होता है तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लीफ माइनर एफिड्स मिलीबक्स ये क्या होता है पहले वही जान लेते हैं तो चलिए प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं क्या है लीफ माइनर लीफ माइनर कोई कीट नहीं है दोस्तों कीट के लार्वा होते हैं इसे मैप इंसेक्ट्स भी कहते हैं कद्दू नींबू टमाटर ऐसे बहुत सारे सब्जी में और पौधों में ध्यान से देखिए दोस्तों ये आर्टिस्ट नहीं कीड़ा है और ये कीड़ा आपके पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक है मादा कीड़ा पत्तियों में अंडे देते हैं और वो अंडों से लार्भा बाहर निकलता है इसके बाद वो लार्भा पत्तियों की सतहों के बीच उनको खाते रहते हैं इससे पत्ता सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे उस पत्ते में कैंकर जैसी बीमारियां भी लग सकती है तो ये गया लीफ माइनर के बारे में बातचीत अब होगी एफिड्स के बारे में तो एफिड्स है एफिड्स छोटे आकार के कीट होते हैं जो पौधों का रस चूसते हैं ये एफिडोडिया कुल में आते हैं ये समशीतोष्ण क्षेत्र में कृषि में उगाई जाने वाली फलों के सर्वाधिक विनाशकारी शत्रु है स्पेशली सरसों के खेत में ये भाई साफ तो नजर आते ही है और गार्डन में भी बीन्स के पौधों में मिलता है ये खेती का दुश्मन इस कीट के कारण भी पौधे का ग्रोथ कम हो जाता है और पौधा मर भी सकता है तो एफिड्स और लीफ माइनर ये दोनों गया अब बारी आती है सबसे कॉमन प्रॉब्लम की जिनका गार्डन है और उनका ये प्रॉब्लम नहीं है ये तो हो भी नहीं सकता वो दोनों प्रॉब्लम भी कॉमन है मतलब प्रॉब्लम्स भी कॉमन है पर ये प्रॉब्लम तो हर एक के गार्डन में मतलब सुनते सुनते थक गए पक गए ऐसा वाला प्रॉब्लम है और वो है मिली बग का प्रॉब्लम तो मिली बग क्या है और इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है चलिए जान लेते हैं मिली 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 कौन मिली कहाँ से मिली क्या मिली कैसे मिली ये तो है मिलीबक आम भिंडी पपीता हिबिस्कस, नींबू बैंगन और कितनों का नाम बताए मिली बग पेड़ पौधे से ऐसे चिपक के रहता है जैसे तू मेरा मैं तेरी दुनिया से क्या डरना ये रूई जैसी दिखती है और इनके शरीर के ऊपर एक मोम का परत होता है ये कई प्रजातियों में पाई जाती है धारीदार लंबी, पूछ वाला या फिर गुलाबी प्रजातियां जो भी हो पर कॉमन फैक्टर ये है कि इनसे चीटियों की दोस्ती वो है दाँत देने वाली तो अगर आपके पौधों में भी आप चीटियाँ दिख रहे हो तो सावधान रहिए क्योंकि मिलीबग का अटैक भी हो सकता है और इनसे भी पौधों का हालत बहुत ही खराब हो जाता है दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ऐसा कुछ नहीं बस एक ही सोल्यूशन है और वो है इमिडा क्लोरोपीट सेवेंटीन पॉइंट एट परसेंट एस इसका नाम है कन्फिडर मेरे हाथ में जो है और ये है टाटा कंपनी का इमिडा क्लोरोपीट ग्रुप का ही है ये है टाटा कंपनी का और इस कंपनी का जो परसेंटेज चाहिए होता है जो मिला के हम स्प्रे करेंगे वो बहुत ही अच्छा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड है ये और ये बहुत ही फायदेमंद है तो चलिए कैसे इसको यूज करेंगे वो देख लेते हैं तो चलिए ये इतना अच्छा है ना कि क्या बताए अरे भाई ये तो मैंने सुबह सुबह ही डाला था मैं भूल गई इसको एक काम करते हैं ऐसे ही बता देते हैं एक्चुअली हमारे स्प्रे मशीन में है ना अरे मोबाइल तो क्यों गिर गया हर वक्त ये गिर जाता है गिरने की बीमारी है गिरा हुआ मोबाइल है एक मेरा छोड़ो इसे बात ही नहीं करेंगे कट्टी दुस्से क्या बता रहे थे ये कन्फिडर के बारे में हाँ ये टाटा कन्फिडर इतना अच्छा है ना मतलब इमिडा क्लोरोपेट का कोई भी आप ले लो चालू कंपनी का तो ये हाफ एम पर लीटर टाटा कंपनी में जो हो जाता है जो काम हो जाता है उसको ना बाहर के कंपनी में एक एम पर लीटर चाहिए होता है तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आधे से काम चल जाता है पर दाम थोड़ा सा शायद ज़्यादा बढ़ जाएगा हमने ये लिया दो सौ तीस में आ, कितना है इसमें फिफ्टी एम तो ये तो हमने चालू दुकान से ही लिया मतलब हमारे मोहल्ले वाले एक दुकान से लिया तो दो सौ में पाँच रुपये बस कम रखा हुआ था वो भैया ने ज़्यादा कम नहीं किया तो मैंने भी सोचा कि इतना अच्छा है कम नहीं कर रहा है तो काम तो ज़्यादा ज़रूर करेगा और सच में ये बहुत स्ट्रांग है और हाफ एम एल पर लीटर घुल मिल जाएगा पानी में मैं तो ऐसे ऐसे हाथ से अच्छी तरीके से मिला देती हूँ फिर बाद में स्प्रे करती हूँ वो तो आप लोगों को पता ही है मैं वेस्ट एकदम नहीं करना चाहती हूँ तो ये है हमारे नापने वाला जो एक मशीन बोल सकते हो <laughs> पर एक्चुअली मशीन नहीं है ये जो भी हो क्या कहते हैं इसको हिंदी में मैं भूल गई हूँ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो नापने वाला कुछ है मेरे हाथ में तो इसमें से नाप लगा के हाफ एम एल मैं इसमें डालूंगी एक्चुअली मैं डाल चुकी हूँ सुबह सुबह तो वो पानी में लिया हुआ है हाफ़ एम एल पर लीटर तो उसके हिसाब से मैंने तीन लीटर पानी वहाँ पर डाल चुकी थी तो डेढ़ एम एल लग चुका है मतलब लगेगा इसका चाहिए होगा तीन लीटर पानी में तो अब हम स्प्रे करेंगे वो हिविस्क्री में तो चलिए 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 स्प्रे करते हैं आपको तो पता ही होगा स्प्रे करना मेरा फेवरेट है और जब हवा आती है तब तो, तो और भी फेवरेट है तो चलिए तो ये है हमारा स्प्रे मशीन और मैम आप आ जाइए हिबिस्कस मैडम जी ऐसे ही खिलते रहिएगा ऐसे ही एक भी फूल भी हो तो भी आशा की किरण क्या करते रहिएगा जलाते रहिएगा हम्म तो मशीन ढैंड ओ मैं तो स्टार्ट ही नहीं किया हाँ अब हवा नहीं आ रही है ये पौधों के लिए अब अच्छी बात है कि हवा नहीं आ रही है अगर हवा आती है तो हवा आना स्टार्ट हो गया देखा मेरा एक्चुअली अगर कुछ आप सच्चे मन से चाहते हो ना पूरा कायना जुड़ जाता है उसको मिलाने में वैसा ही हाल है हमारा हवा मुझे बहुत पसंद है तो जब स्प्रे करती हूँ वो हवा में अच्छा दिखता है और मुझे फील वेरी गुड रोमांटिक सीन जैसा लगता है मैं और पौधा बस और कोई नहीं तो हो गया इसका स्प्रे बहुत हो चुका ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे करना भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है वो आप बस ये नज़रअंदाज मत कीजिएगा कि स्प्रे को टाइम टू टाइम करते रहिएगा और स्प्रे हर तरफ लगे वैसा ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हर तरफ ये स्प्रे लग चुका है इंसेक्टिसाइड जो है वो मतलब ठीक से लग चुका है ये पौधा किसी भी ऊपर से सिर्फ स्प्रे स्प्रे किया पौधे के पत्ते से नीचे स्प्रे नहीं किया तो पत्ते का नीचे भी अगर कोई इंसेक्ट है तो वो रह जा सकता है तो इसीलिए अच्छी तरीके से इसको स्प्रे करना पड़ेगा पर ऐसा नहीं है कि हर दिन भर उसे स्प्रे ही मारते जाओ ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है तो फ्रेंड्स और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि ये जो इंसेक्टिसाइड है इसे पंद्रह बीस दिन के अंतर अंतर डालते रहिएगा मतलब स्प्रे करते रहिएगा और अगर आपके वहाँ बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाएगा अब तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो बरसात का मौसम जब नेक्स्ट मंथ आ जाएगा तब दस दिन के अंतर अंतर या फिर सात दिन के अंतर आप स्प्रे करते रहिएगा तो वो अच्छा है पौधों के लिए वरना बरसात में ना ज़्यादा इंसेक्ट कीट ये सब अटैक करते हैं पेड़ पौधे पे तो यही था आज का वीडियो तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो ये कमेंट पे जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना और कमेंट पे जरूर बताना कि इसका नाम क्या है <laughs> ऐसी बात नहीं है कमेंट पे आपका प्रॉब्लम्स भी शेयर करना और आपके पास हिवस ट्री है या नहीं और आपके पौधों में ये तीन प्रॉब्लम जैसे कि लीफ माइनर एफिड्स और बग्स का प्रॉब्लम है या नहीं और इसको यूज़ आप करते हैं या नहीं ये सारे कमेंट्स ओबियसली करते रहना और आपके प्यार भरे कमेंट्स मेरे चैनल पे आते हैं हालांकि ये चैनल मेरा नया है मैं नहीं हूँ यूट्यूब पे तो ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत इनक्रेज करता है तो मैं बहुत जल्द कमेंट के बारे में भी एक वीडियो शेयर करूँगी कि कौन सा कमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा बहुत फ़नी है शायद आप लोगों के लिए पर ये मेरे लिए बहुत मेरे लिए बहुत ही एनकरेजिंग है कि आप लोग मुझे इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो मैं तो एक साधारण सी गांव की साधारण सी लड़की हूँ कुछ ऐसी वैसी कुछ नहीं है मुझ में फिर भी आप इतना ढेर सारा प्यार देते हो और लिखते हो दीदी आप ऐसे हो दीदी आप अच्छे कर रहे हो दीदी आपकी हिंदी अच्छी है तो मुझे बहुत इंक्रेजमेंट मिलता है इससे तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गार्डन आर फ्रेंड इंडिया ज्यादा बोरिंग हो गया चलो रोते हैं इस बात में ओके मैं आंसू को रोकती रोकते टाटा